डॉक्टर साहब आपका परिचय। मैं डॉक्टर जयप्रकाश नारायण हूँ, भूतपूर्व निदेशक मानसिक चिकित्सालय बरेली। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, लोग तमाम सी बातों को लेकर चिंतित हैं, तो आप बताएं कि जो डिप्रेशन की स्थिति है जिसे आप साथ कहेंगे, ये कैसे दूर हो और लोग क्यों चिंतित हैं इतने? देखिए, जो ये लॉकडाउन हुआ है जी, लॉकडाउन से जो समस्या जो उसकी वजह से उतनी नहीं है जितनी जो है भविष्य की अनिश्चितताओं और आशंकाओं को देखते हुए। वर्तमान की जो चिंता है वो रोज उनकी खबरों में पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कोरोना फैल रहा है, ये इतना फैल गया, उससे थोड़ी सी उनको वर्तमान की आशंका तो है, चिंता तो है, लेकिन भविष्य की अनिश्चितता कि कब तक रहेगा लॉकडाउन, उनके बिजनेस का क्या होगा, उनकी नौकरी का क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे, तो ये सब बहुत सारी जो चिंताएं हैं इसकी वजह से लोगों में चिंताएं तो बढ़ रही हैं। लेकिन जो बॉर्डर लाइन केसेस हैं जैसे डिप्रेशन, उनको पूरी तरीके से बाहर स्पष्ट नहीं दिखता है, लेकिन जो बॉर्डर लाइन है ऐसी इस परिस्थिति में उनके लक्षण जो है प्रकट हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं जी। तो वो स्पष्ट रूप से डिप्रेशन के लक्षण उनमें दिखाई देने लगते, घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन हो जाना सामान्य लक्षण है, और जब ज्यादा जब बढ़ जाती है तो उनको डिप्रेशन में उनको ऐसा लगता है कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये हमारे घर वालों को कितना नुकसान हो जाएगा, या मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा, ये मरने के ख्यालात जो इस तरह के बुरे ख्यालात हैं, निराशावादी जो विचार हैं उनको घेर लेते हैं। देखिए, ये डिप्रेशन के अलावा मैं और भी चीज बता दूं, जो मानसिक रोगी हैं उनके भी लक्षणों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे पास तो बहुत सारे जो मेरे पुराने मरीज हैं उनमें लक्षणों के में वृद्धि हो रही, क्योंकि वो चिंता जो है वर्तमान की भविष्य की वो फील कर रहे हैं, वो भी महसूस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है उनके लक्षणों में वृद्धि हो रही है। डिप्रेशन हो, सिज़ोफ्रेनिया हो, ऑब्सेशन हो, तो ये सबके लक्षण बढ़ रहे हैं काफी। मुझे लग रहा है कि ये जो लॉकडाउन जब खत्म होगा तो मानसिक रोगों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। कोई नहीं जानता, ना सरकार जानती है ना डॉक्टर जानते हैं कब किस परिस्थिति में बदली जाएगी ये जो कोरोना का जो स्थिति है, कहाँ जाएगी, कितनी बढ़ेगी और कितनी कम होगी, कितना टाइम लेगी, ये किसी को पता नहीं है। अपने कारोबार की चिंता है, अपने पढ़ाई की चिंता है, अपनी नौकरी की चिंता है, वो सब चिंताएं जो एक साथ जो मिल के और घर में बैठे रहना, उसकी दिन भर उसी बात को सोचना, उसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। जो घर में बैठा है व्यस्त रहें, अपने घर के कामों में व्यस्त रहें कि और लोग मिल करके बैठ करके बात करें आपस में, हमेशा कोरोना की बात ना करें, दूसरी बात करें, धार्मिक बात करें, सामाजिक बात करें, और अपने फ्यूचर प्लानिंग की बात करें कि हम आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये सब चीजें करने से ये इनकी जो चिंताएं कम होगी और ये समस्याएं जो है कम पैदा